लेकिन रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठना मत। असल में रिकॉर्डिंग क्लाउड पर होती है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग मिस हो जाए। सर हाँ बोलो। गॉसियन पिलर्स एक बार समझा दीजिए। गॉशियन पिलर सिखा दूं? यस सर एक बार। पिल बॉक्स है। गॉशियन पिल बॉक्स बेसिकली एक क्यूबॉइडल है। गॉशियन पिल बॉक्स जो है ये क्यूबॉइड है। एक क्यूबॉइडल आपने गॉशियन सरफेस ली हुई है, उसे गॉशियन पिल बॉक्स कह रहे हैं। ऐसा तो सरफेस चार्ज में जहां आप सिलेंडर यूज करोगे वहां गॉशियन पिल बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं। भाई सुनिए, मैंने आप लोगों को इस वक्त कंट्रोल आप लोगों के हाथ में दिया हुआ है अनम्यूट करने का, लेकिन अगर एक भी मुझे बाहर से आवाज आई किसी की, इसका तरीका यही होता है कि आप खुद को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछिए और म्यूट कर लीजिए। लेकिन कोई भी फालतू की अगर मुझे आवाज आई किसी की भी, मैं कंट्रोल छीन लूंगा। हालांकि वो दिख जाता है कि कौन बोला था, लेकिन सब सर आप म्यूट हो गए। बैकग्राउंड साउंड ना आए कोई, मुझे कोई बैकग्राउंड साउंड आएगा तो फिर मैं वो म्यूट कर दूंगा परमानेंटली। तभी आप लोगों को डाउट्स हैं तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए, डाउट्स पूछिए और फिर म्यूट कर दीजिए। सो इतना सब लिख चुके हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट गिवन है। सो आपको एक वायर दी हुई है, इट्स एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है। वो आपसे कहता है वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट कीजिए। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा। वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। अब इस वायर की वजह से आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप्स देखिए, इस मेथड से फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है आप एप्रोप्रिएट गॉशियन सरफेस यूज कीजिए। चूज एन एप्रोप्रिएट गॉशियन सरफेस। तो लाइन चार्ज के लिए गॉशियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगी। तो आपने क्या किया, यहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस चूज कर ली। गॉशियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगी, तो आपने एक सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस चूज कर ली। सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस आपने चूज की हुई है, पहला काम। सो कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस
a cylindrical Gaussian surface of radius r and length l. आर रेडियस और एल लेंथ की आपने एक सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस चूज कर ली, ये पहला काम होगा. तो देखो ये सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगी. सिलेंडर है तो क्लोज भी है. दूसरा क्राइटेरिया क्या था, फील्ड या तो पैरेलल होनी चाहिए या फिर फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा. सिलेंडर मैंने सिखाया था, सिलेंडर एक पार्ट में सॉल्व नहीं होता, सिलेंडर में एंड्स अलग सॉल्व होते हैं, कर्व सरफेस अलग सॉल्व होगा. तो पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. देखो पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट्स अवे फ्रॉम द चार्ज. तो सिलेंडर की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी. यहां भी आप ले सकते हैं फील्ड इधर होगी, फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, फील्ड होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. So this is electric field due to cylinder. ये सिलेंडर की वजह से फील्ड आ रही है. सो पहला काम है आपको चाहिए फ्लक्स थ्रू एंड वन. फर्स्ट एंड से पास होता वो फ्लक्स चाहिए. तो फर्स्ट एंड से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का एन कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, एंगल इज 90 डिग्री. जब फर्स्ट एंड से आप कैलकुलेट करोगे तो जो फ्लक्स आएगा फाइव वन, फाइव वन इज ई एस कॉस 90, जीरो आ गया. तो फर्स्ट एंड से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल बी जीरो. जाहिर कोन भी आएगा, अभी सिलेंडर की फिगर कर ले, फिर जब मैं कोन कराऊंगा तो कहेगा सिलेंडर कैसे हुआ था. आएगा आएगा, कोन भी आएगा, पहले सिलेंडर की फिगर कर लो. पहले यहां देखो फ्लक्स थ्रू एंड वन. इसके बाद जो सेकेंड एंड है, सेकेंड एंड के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, फ्लक्स थ्रू एंड टू. सेकेंड एंड के लिए जब आप फ्लक्स लेंगे फाइव टू, सो दैट इज अगेन ई एस कॉस 90 विच इज इक्वल टू जीरो. तो सेकेंड एंड के लिए जो फ्लक्स आ गया दैट्स फाइव टू विच इज जीरो. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. उसके बाद ये कर्व सरफेस है डीएस, ये कुछ डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है. फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस. फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस. जाहिद बस यही शुरू करा, एक पार्ट तुम्हारा मिस हो गया, इससे लिखना शुरू करो. फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस. जब आप कर्व सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करोगे फाइव थ्री, देन इट्स क्लोज, नॉट क्लोज. कर्व सरफेस क्लोज नहीं होती, कर्व सरफेस इज ओपन. तो कर्व सरफेस से जो पास होता हुआ फ्लक्स होगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक सेम डायरेक्शन में, तो जब आप डॉट ओपन करोगे तो फाइव थ्री आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ EDS cos 0, cos 0 is 1. So electric field की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सर्फेस, वैल्यू कॉन्स्टेंट है. तो आप फील्ड को बाहर ले जा सकते हैं, इट्स इंटीग्रल ऑफ ds. फाइ 3 को आप लिख सकते हैं, फाइ 3 इज e, ds का इंटीग्रल इज 2 पाई आर. This is equation number 3. तो
एंड वन से आ गया, एंड टू से फ्लक्स आ गया, एंड थ्री से फ्लक्स आ गया, कर्व सरफेस से फ्लक्स मिल गया। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक फिर मैं उसके बाद रिपीट नहीं कर पाऊंगा, कोई डाउट नहीं है? लास्ट, ओके। जब आप कर्व्ड सरफेस लोगे, कर्व्ड सरफेस के लिए सिखाया था कि फ्लक्स एक बार में नहीं आता है, स्मॉल एलिमेंट लेना होता है। तो आपने स्मॉल एलिमेंट ds चूज कर लिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अवे है, n कैप। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो आप लिखोगे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, इंटीग्रल ऑफ ई ds cos 0। e यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, e को बाहर ले आइए, इंटीग्रल ऑफ ds। ds का इंटीग्रल होता है 2πr। हाँ भाई सवाल है, अब हुआ? टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स पास होगा फाइ, दैट इज वेक्टर सम ऑफ फाइ वन, फाइ टू एंड फाइ थ्री। फाइ वन इज जीरो, फाइ टू इज जीरो, फाइ थ्री इज ई इंटू टू पाई आर, फाइ इज ई इंटू टू पाई आर। ये टोटल फ्लक्स हो गया। अरे क्या हो गया, ए इंटू टू बाय आर, ये टोटल फ्लक्स है। यहां तक बताओ मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? इसे कहते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो स्टेप्स याद रखो, देखो पहले तुम फ्लक्स कैलकुलेट करोगे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स व्हिच इज ई डॉट डीएस। हर पार्ट के लिए तुमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, टोटल फ्लक्स आ गया। इसके बाद तुम्हें फ्लक्स कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करोगे और फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। तो गॉस लॉ कहता है कि ये जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होता है Q enclosed by epsilon naught। अब देखो यहां Q enclosed का क्या मतलब है? Q enclosed is charge enclosed by the Gaussian surface। Gaussian surface की length कितनी है? L। इस L length की Gaussian surface में जो भी चार्ज आया है उसे तुम Q enclosed कहोगे। मीन्स यहां से लेकर यहां तक, ये जो सिलेंडर की तुमने लेंथ ली हुई है, इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा उसे Q enclosed कहेंगे। सो Q enclosed is charge on length L। सिलेंडर की L length पर जो भी चार्ज है उसे आप on length L of wire। तो इस सिलेंडर के अंदर कौन सा इंटीग्रल तौहीद? ये इंटीग्रल क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि तुम सिर्फ कर्व सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हो, इसलिए ये इंटीग्रल क्लोज नहीं है। Phi is Q enclosed by epsilon naught, Q enclosed is charge। ये जो पूरी वायर है, इस वायर की L length आपने ले ली, इस L length पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को कहेंगे that is Q enclosed। तो आप ऐसे लिख सकते हो, lambda होता है charge by length, ये linear charge density की definition use करो। Q enclosed कितनी length पर है? L, दोबारा देख लो, Q enclosed इस cylinder के अंदर जो charge आ रहा है वो charge है। Cylinder के अंदर, इसके बाद मैं repeat नहीं करूंगा, ढंग से सुनो। Q enclosed is charge within the cylinder। सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L। तो सिलेंडर ने वायर का भी L पोर्शन कंसिडर किया होगा, अदरवाइज वायर तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही है। तो आप लिख सकते हैं Q enclosed is charge on length L of wire। Lambda की डेफिनेशन होती है Q enclosed divided by L। तो यहां से Q enclosed आ जाएगा lambda L। इसे 5 कहते हैं, इसे 6 कहते हैं। अब स्पेस नहीं मेरे पास, इतना लिखो फिर आगे करेंगे।
इतना लिखिए फिर आगे करते हैं। ओके अब इसके बाद आप गॉस लॉ के अंदर ये जो क्यू इनक्लोज कैलकुलेट किया है, इस क्यू इनक्लोज की वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही आप Q इनक्लोज रखेंगे तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैं 6 को 5 में रख रहा हूं, तो ये phi आ जाएगा Q इनक्लोज विच इज लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो 7th इक्वेशन है, 7 से आपने जो फ्लक्स लिया है और वो फ्लक्स जो आपने यहां से कैलकुलेट किया है 4th से, दैट द सेम फ्लक्स, तो आप इक्वेट कर सकते हैं 4th और 7th को। तो जब आप 4th और 7th को इक्वेट करोगे, यू विल गेट लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज ई इनटू 2 पाई आर एल, इट्स लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फील्ड की वैल्यू होगी। ई इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ई आ जाएगा inversely proportional to R. So electric field R के inversely proportional है, ये दिया हुआ है आपको। So अगर आपने एक infinite sheet लिए, तो infinite sheet के लिए field का ये expression आएगा। Infinite wire अगर आपने ली हुई है, तो lambda by 2 pi epsilon naught R. अगर आप graph ले रहे हैं, this is R and this is E, तो graph will be hyperbolic. तो इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, वेरी याद रखिएगा, वेरी कैसे कर रहा है। जब आप पॉइंट चार्ज लेते हैं तो 1/r² से वेरी करता है, जब आपने डाइपोल लिया था तो फील्ड 1/r³ से वेरी करती है, यहां 1/r से वेरी करेगी। इतना लिख लीजिए। यहां तक लिखो, सबने लिख लिया। सो वायर पे क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, बस हमने हर तरह की वायर करी थी, फाइनाइट इनफाइनाइट सब किया था, बस ये गॉस लॉ से डिराइव नहीं कराया था, तो गॉस लॉ से आपने अब डिराइव कर लिया। ये आप पहले कर चुके हैं, डेरिवेशन आपके लिए नई नहीं है, आपने बहुत एक लेंथी मेथड से सीखा था इसे कि कूलम्स लॉ से कैसे डिराइव करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत देखे थे कि फाइनाइट वायर में एंगल्स कैसे वेरी करते हैं, बस ये डेरिवेशन आपको गॉस लॉ से सिखानी थी, तो उसमें मैं न्यूमेरिकल्स में नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ,
दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऐसे रखी हुई है. यहां भी देखना, शीट में भी आपकी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बहुत काम आई. ये डेरिवेशंस इजी हैं, गॉस लॉ से इन्हें डिराइव करना बहुत आसान हो जाता है. हालांकि इनफाइनाइट प्लेन शीट इस बैच में तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि कूलम्स लॉ से क्या आता है रिजल्ट. तो ये शीट रखी हुई है, ये शीट समझो रखी हुई है वाई जेड प्लेन में. ऐसे रखी हुई है शीट, परपेंडिकुलर है, कॉपी के तुम्हारे प्लेन के परपेंडिकुलर है. अगर ये कॉपी है तो कॉपी के ऊपर ले जाकर मोबाइल रख दो, कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट इज सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट इज सिग्मा. तो यहां भी सेम स्टेप्स होंगे. पहला स्टेप होगा आपको एक एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चूज करनी है. पहला स्टेप होगा कि एक प्रॉपर आपको गॉसियन सरफेस चूज करनी है. तो इनफाइनाइट शीट में भी मैंने आपको बताया था कि जो गॉसियन सरफेस होगी वो गॉसियन सरफेस यहां भी सिलेंड्रिकल हो सकती है. तो आपने शीट से पास होती हुई एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली. तो यहां भी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल हो सकती है. तो आपने यहां भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर लिया. सो कंसिडर, और इसके एंड्स का एरिया एस है, इसका भी एरिया एस और इस एंड का भी एरिया एस. सो कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस Gaussian surface having area of ends S. Area of ends S. तो आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली हुई है जिसके एंड्स का एरिया S है. तो यहां भी देखो, सिलेंडर पहले भी सिखाया था कि सिलेंडर से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इसे दो कर्व सरफेस में, दो एंड्स में और एक कर्व सरफेस में ब्रेक करना होगा. शीट ऐसे रखी हुई है तो शीट की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज यहाँ राइट में जाएगी और उधर लेफ्ट में जाएगी. लास्ट क्लास में आपको इसके ऊपर एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल कराया था. आप में से कई लोग हैं जो बहुत इरेगुलर हैं, मतलब उनका कुछ नहीं होने वाला, इससे बेहतर है कि बैच बैच छोड़ें, सोएं. जब अगस्त में कोचिंग खुलेगी तब आ जाना. एक दिन आओ, दो दिन गायब हो जाओ, उससे कुछ भला नहीं होता, टाइम ही वेस्ट कर रहे हो. दो महीने सो, जब नींद पूरी हो जाए दो महीने तुम्हारी, तब आ जाना अगस्त में. ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आ जाएगा. तो गॉसियन सरफेस है जिसका एंड्स का एरिया एस है. तो जो डायरेक्शन होगा यहाँ, ये राइट वर्ड्स है. जब यहाँ आप लोगे तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है. फ्लक्स थ्रू एंड वन, तो फर्स्ट एंड से जो फ्लक्स पास होगा इसे आप फाइव वन लिखोगे. प्लेन सरफेस से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डॉट एस, तो फाइव वन आ जाएगा. ई एस कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, सो ये आ गया ई एस. दैट्स फर्स्ट. ऐसे इस वाले एंड को देखो, देखो इसका लिए भी एरिया वेक्टर लेफ्ट में आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया. तो फ्लक्स थ्रू एंड टू, तो जब तुम सेकेंड एंड से फ्लक्स लोगे, सेम कहानी, ई एस कॉस जीरो, ये भी आ गया ई एस. अब जब कर्व सरफेस से लोगे, देखो ये कर्व सरफेस है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, एंगल 90 डिग्री. तो जब आप कर्व सरफेस लेंगे, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस.
और एंगल 90 डिग्री है तो ईडीएस कॉस 90 डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये फ्लक्स हो जाएगा, इट्स ईडीएस कॉस 90 विच इज जीरो. इसे आप फाइव थ्री कह दीजिए. दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. अब आप एक काम कर सकते हो कि ये फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री तीनों आपने कैलकुलेट कर लिए, अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करो. टोटल फ्लक्स फाइव जो होगा दैट्स सम ऑफ ऑल फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री, तीनों फ्लक्स आप ऐड कर दीजिए. सो ये आ गया ई एस प्लस जीरो, तो ये फ्लक्स आ गया दैट्स ट्वाइस ऑफ ई एस, दैट्स इक्वेशन नंबर फोर. अब इसी फ्लक्स को आप गॉस लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. भाई गॉस लॉ कहता है ना फ्लक्स होगा क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. चलो जितना लिख लो और बताओ मुझे जब ये हो जाए तो. तो ही यूनिफॉर्म इस सेंस में कि पूरी जो गॉसियन सरफेस है वो तो वायर से आ रही डिस्टेंस पर है ना, तो इस गॉसियन सरफेस पर तो फील्ड की वैल्यू सेम है. इट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए तो आर होगा. इस केस में यूनिफॉर्म है. इतना लिखिए. तो देखो Q इनक्लोज क्या है यहां पर, ये एरिया S है, तो ये जो सिलेंडर है ये इसका कितना एरिया कट करेगा, S एरिया कट करेगा. अब आपको ये तुम लोगों ने लिखा था, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे सब.
लिखा था सबने? चलो शुक्र है, ओके ओके, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, वरना सब रिपीट कर। एक मिनट यार, बस मैं इसको ड्रॉ कर दूं, कंप्लीट कर दूं एक बार। तो शीट पर जो चार्ज है दैट्स प्लस सिग्मा, फील्ड राइट में है ई, लेफ्ट में भी जो फील्ड एक्ट कर रही है दैट फील्ड इज ई। सो क्यू इनक्लोज जो था, और यहां से एक गॉशियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल ली थी कि सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस यहां से पास हुई है, तो हम बस ये डिस्कस कर रहे थे कि सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस ने शीट का कितना पोर्शन कट किया होगा। तो इसे ऐसे मान लो जैसे ये मोबाइल है, इसमें से ये मैंने एक गॉशियन सरफेस पास कर दी, सिलेंडर पास कर दिया, तो इस सिलेंडर क्या करेगा, इस मोबाइल का कितना पोर्शन कट करेगा, जितना इसके एंड्स का एरिया होगा इतना ही तो पोर्शन कट करेगा। तो आप लिख सकते हो क्यू इनक्लोज्ड इस चार्ज ऑन एरिया एस ऑफ शीट। भाई इतना बता दो, ये समझ में आया तो बस खत्म हो गया पूरा। अगर ये समझ में आ गया कि एरिया एस ऑफ शीट के ऊपर, शीट का टोटल एरिया इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट शीट है ये, लेकिन क्यू इनक्लोज सिर्फ एस एरिया पर चार्ज है। मोहित मोटा, अमान, अनुषा, उज्मा, तुबा, सबका आया, ओके। तो देखो, तो आप सिग्मा की डेफिनेशन यूज कर लो, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से यार देखो, तुम क्यू इनक्लोज को लिख सकते हो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इनक्लोज आ जाएगा सिग्मा इनटू एप्सिलॉन नॉट। भाई बताओगे ये कौन सी इक्वेशन है? इससे पहले जो इक्वेशन थी उसका नंबर क्या था? सिक्स, ओके। सिग्मा होता है ना चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एस हो गया, तो क्यू इनक्लोज आ गया सिग्मा एस, ये इक्वेशन नंबर सिक्स है। अब इसको आप इसमें रख दो गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड कितना है सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। ये बताना टोटल फ्लक्स 2ES किस इक्वेशन में आया था? 2ES फोर्थ में आया था, तो इक्वेटिंग फोर्थ एंड सेवेंथ। तो अगर आपने फोर्थ और सेवेंथ को इक्वेट कर लिया, फोर्थ था 2ES, सेवेंथ है सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, से एस कैंसिल हो गया, ई आ गया सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये जो फील्ड है ये इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, ई इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड कहीं भी आर पर डिपेंड नहीं कर रही, तो इस फील्ड को आप कहते हैं दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म किसी एक रीजन में नहीं, थ्रू आउट द स्पेस। मींस अगर ये इनफाइनाइट शीट है, मैं यहां फील्ड कैलकुलेट करता हूं, फील्ड की वैल्यू 2 है, मैं यहां फील्ड कैलकुलेट करता हूं, यहां भी 2 होगा, दूर ले जाऊंगा तब भी 2 होगा, यहां 2 है ये भी 2 होगा, दूर ले जाऊंगा तब भी 2 होगा। तो फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो फील्ड आर से इंडिपेंडेंट है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। मीडियम चेंज कर दोगे तो जस्ट के आ जाएगा, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो इसी चीज को, तो ई हो जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट
देखो फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, एन कैप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। हाँ जी यहाँ बताना शुरू करो, डाउट्स क्या है? डाउट्स बताइए अगर यहाँ कुछ डाउट्स हैं। कोई डाउट नहीं है मोहित, हुआ ही है? शुक्र। लास्ट इक्वेशन एन कैप लिखा है, हाँ फाइव का एन कैप लिखा है, नहीं इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लिखवाया था डिस्क के लिए क्या होता है, ये तभी यूज होगा जब फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट में से यूज नहीं कर सकते। जरा समझो फाइनाइट में प्रॉब्लम क्या होगी, अब तुमने पूछा है तो सुनो, अगर ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट शीट के एंड्स नहीं होते, उसके एंड्स इंफिनिटी पर जाते हैं, अगर फाइनाइट हुआ तो यहां एंड्स आ जाएंगे, एंड्स पर भी चार्ज होगा, एंड्स का चार्ज सिमेट्री बिगाड़ देगा, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी एंड्स वाले चार्ज की वजह से। अगर आपने एंड्स ले लिए, एंड्स पर भी चार्ज होगा, वो एंड्स वाला चार्ज सिमेट्री बिगाड़ देगा, अब आप यूज नहीं कर सकते गॉस लॉ। तो अगर फाइनाइट शीट है गॉस लॉ से आंसर नहीं आएगा, एंड्स वाले चार्ज की वजह से एक फील्ड आती है, उसे कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। करेंगे कैपेसिटर में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसे, तो याद रखना इस एक्सप्रेशन के लिए इनफाइनाइट होना जरूरी है, इनफाइनाइट का मतलब है एंड्स नहीं है, शीट के एंड्स नहीं है। नगमा, मुश्तबा, सुहेब, कोई डाउट नहीं है किसी का? नगमा नहीं, फाइनाइट शीट में तौहीद कभी यूनिफॉर्म नहीं होगी, कभी नहीं। देखो यहां यूनिफॉर्म का मतलब तौहीद एक एक पॉइंट पर नहीं, एक रीजन में थ्रू आउट इन्फिनिट कहीं भी चले जाओ फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, फील्ड चेंज नहीं हो रही। जुनैद, हिबा, आसिफ, सबका क्लियर है? आरिफ, हुआ ये? हाँ आरिफ कहीं भी चले जाओ, फाइनाइट शीट में कहीं, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट में कहीं भी चले जाओ। हाँ जो है अदर देन गॉशियन सरफेस भी यूनिफॉर्म है, कहीं भी चले जाओ, गॉशियन सरफेस पे तो यूनिफॉर्म होगी, वो तो उसमें वायर में भी यूनिफॉर्म थी। फाइनाइट का पूछ रहे हो, फाइनाइट शीट में कहीं पर भी चलेगा जाएंगे, अगर फाइनाइट शीट है तो पहली चीज आप गॉस लॉ यूज ही नहीं कर सकते। फाइनाइट शीट में हर शेप के लिए एक्सप्रेशन अलग आता है, डिस्क के लिए इनफेक्ट मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखा था, मैंने ड्राइव नहीं करा था, डिस्क का मैंने एक्सप्रेशन मैं खुद ही ये म्यूट कैसे हो जाता हूं। हाँ जी ठीक है जाहिद, अगर मैं स्फेरिकल गॉशियन सरफेस यूज करूंगा ना, देखो फील्ड यूनिफॉर्म इस पॉइंट पर इसलिए है क्योंकि वायर से शीट से इन एंड्स का हर पॉइंट का सेपरेशन सेम है, लेकिन अगर मैंने स्फेयर यूज कर लिया, स्फेयर तो ऐसा होगा तो अलग अलग पॉइंट का सेपरेशन अलग अलग होगा, सेपरेशन अलग अलग है, फील्ड भी अलग अलग होगी, समझ रहे हो जाहिद? सेपरेशन अलग अलग है तो फील्ड भी अलग होगी। चलो इसमें एक एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि आपके पास उसने दो तीन शीट दे दी इनफाइनाइट,
अच्छा भाई इस संडे क्लास नहीं होगी, इस संडे मिसाज साहब ने बुक करा हुआ है, बहुत पिछले 2 संडे से चिल्ला रहे हैं कि उनकी क्लास नहीं हो पाती है, तो शायद वो 4-5 घंटे पढ़ाएंगे तुम्हें संडे, 4-5 घंटे पढ़ाने के मूड में। हाँ क्या, तो यही रहता है कि 4-5 घंटे पढ़ाऊंगा, मैंने पूरे हफ्ते क्लास ही नहीं हो पाती है। अभी शक्लें मिजाज सर को दिखाना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव शीट। सो यहां पर एक पॉइंट ए, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट सी, ये 3 अलग अलग पॉइंट है। हो गए, तुम्हारे सारे रिएक्शंस खत्म हो गए। यहां देखो जल्दी से, कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। ए बी और सी हर पॉइंट के ऊपर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। ए 0 पर भी 0, क्या कह रहा है जुनैद? ए 0 पर भी 0 क्या कहना चाह रहा है? पहले यहां कैलकुलेट करते हैं इस ए पॉइंट पर। तो देखो ए पॉइंट पर भी जो फील्ड होगी, हाँ वो फील्ड दोनों शीट जनरेट करेंगे, दोनों की फील्ड डेंसिटी अलग अलग है। तो पहले डायरेक्शन लो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। अब मुझे बताते रहो जहां जिस पॉइंट पर अटको। हाँ भाई इवन, अबे कहां से 0 आ रहा है जुना, देख तो ले एक बार, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग दिया हुआ है। दूसरी शीट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा, यहां जाएगा E2। डायरेक्शन में बताओ परेशानी किसी को, क्योंकि यही अटक गया तो आगे कहां जाएंगे? आरिफ, अरशद, नगमा, योगेश, अनुषा, नायला, क्लियर है? तो देखो ए पॉइंट पर जब आप फील्ड लोगे तो वो E1 और E2 दोनों के वेक्टर सम के बाद आएगा। तो ए पॉइंट पर जब आप फील्ड लोगे तो देखो E1 कितना है? जैसे देखो ए पॉइंट पर फील्ड चाहिए ना, ए पॉइंट पर फील्ड शीट 1 भी जनरेट करेगी, शीट 2 भी जनरेट करेगी। शीट 1 की वजह से फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज E1, शीट 2 की वजह से फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज E2। तो EA आ गया वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो E1 को लिख सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड तो इसका होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E1 का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ आई कैप। E2 इस शीट की वजह से मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कहां है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आई कैप। तो यहां यार तुमने आई कैप बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो ले लिया कॉमन, ये बच गया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। तो ये फील्ड आ गई ए पॉइंट पर। चलो भाई ये बताओ मुझे, इसमें तो कोई नहीं अटका? सवालिया, तबस्सुम, तुबा, जोया, ओके। ये कुछ नाम तो ऐसे हैं जो इतने खामोशी से बैठे होते हैं कि अगर आदमी लिस्ट ना देखे तो पता ही ना चले कि ये भी कभी क्लास में आए थे। देखो यार नेक्स्ट, बी पॉइंट पर भी जो फील्ड होगी दोनों जनरेट करेंगे, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज राइट में चला गया E1, हाँ तो इध 2 की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज E2। तो EB हो गया वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, EB हो गया वेक्टर E1 which is sigma 1 by 2 epsilon naught I cap, vector E2 which is sigma 2 by 2 epsilon naught I cap. तो ये EB आ गया which is I cap by 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2.
इसमें कोई परेशान, किसी को कोई प्रॉब्लम, फिर ईसी करता है। कोई परेशानी नहीं किसी को भी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार, ईसी सी पॉइंट पर भी जो फील्ड होगी, दोनों शीट जनरेट करेंगे शीट वन की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज ई वन, शीट टू की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज विच इज ई टू। तो ई सी आ गया, इट्स ई वन प्लस ई टू। मतलब तुम्हारे दिमाग ज्यादा चलने लगे हैं कि कोई डाउट ही नहीं होता, कोई परेशानी नहीं है। इतना तो तब भी नहीं होता जब ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, यहाँ तो दिमाग खराब हो जाता था समझाते समझाते। ये सारे समझदार बच्चे बैठे हुए हैं। भाई इसमें कोई ऐसा ना बैठा हुआ जो इस इंतजार में हो कि अच्छा ये तो ऑनलाइन ऐसी है, जब ये खत्म हो जाएगा ऑर्किड स्टार्ट होगा तो फिर क्लासेस ले लेंगे। बहुत लंबा वक्त ऐसे ही गुजारना है तुम्हें। हाँ अब आया ना सवाल, इस पे भी दोनों डायरेक्शन सेकंड शिफ्ट की तरफ क्यों है? देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन क्या होता है अवे फ्रॉम द चार्ज ई वन, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज ई टू, इसीलिए सेम है। खदीजा तो भाई ई वन हुआ सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग आई क्या, सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव एक्स एक्सिस अलोंग है माइनस आई क्या। ई सी आ गया I cap by 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2। चलो ग्रेट, इतना लिख डालो फिर आगे बढ़ेंगे। जाहिद लिखते हमेशा हम ऐसी हैं, वेक्टोरिकली ऐड ही कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि डायरेक्शन की वजह से दिख रहा है सब्ट्रैक्ट हो गया। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, वो कहता है वेक्टर्स ऐड होंगे, हम वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हैं, एक अलग बात है कि डायरेक्शन की वजह से वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। या माइनस नहीं लगा सकता मैं, या माइनस लगा दूं तो यहां पर प्लस आना शुरू हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। जो कि पूछ रहा था कि ई वन माइनस ई टू तो नहीं होगा, ई वन माइनस ई टू नहीं होगा, हमेशा वेक्टोरिकली ऐड करते हैं। डायरेक्शन की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाए बाद में तो अलग कहानी, अगर मैं यही माइनस लगा दूं तो फिर ये प्लस हो जाएगा। हाँ वजह, अगर चार्ज डेंसिटी सेम है तो बी और सी, ए और सी पर जीरो हो जाएगी। सही कह रहे हो, इतना लिख चुके हो तो बताओ उसे रब करूं मैं फिर। और सारे समझदार बैठे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। नगमा सब आ गया ना? यार अलमास तुम्हारा कभी कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आता, जब तक मैं तुम्हें हिलाता नहीं हूं तुम्हारा कोई आंसर नहीं आके देता। हम तो हो गया। अरे यार क्या आपसी बात है। बच्चे शुरू के दो चैप्टर बहुत लेंदी है खदीजा, बहुत लेंदी है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और कर दीजिए इस पर, इसे आप खुद कर दीजिए। भाई शुजात कभी तो आंसर दे दिया कर, फालतू के इमोजी भेजता रहता है। चल इसका आंसर बता मुझे जल्दी से। हाँ चलो कर, एक शीट यहां रखिए, चार डेंसिटी सिग्मा, एक शीट नीचे रखिए, ये शीट रखिए वाई जेड प्लेन में, ये शीट है एग्जिट प्लेन में। सिग्मा यहां चाहिए पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो पी पर। चल भाई शुरू हो जा, शुजात आंसर।
सिग्मा बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट. ओके और देखो भाई एक आया आंसर, बाकी लोग चेक करो. अलमास आंसर. सेम आया तबस्सुम का भी. तहरीम, सिमरा, सामिया, नायला, अरे कुछ तो आंसर लाओ बताओ. रूट टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट राशिद का आया. अच्छा जी जाहिद सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके अस्का सिग्मा बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट. ओके चलो जी देखते हैं. चलो भाई चेक करते हैं ये पहली शीट ये दूसरी शीट. फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज. ये शीट ऐसे रखी है फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी. हाँ ज्यादा लोगों का सही आ रहा है. दिस इज ईवन. सेकंड की वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज ये ऊपर जा रहा है विच इज ई टू. एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री. तो ईवन और ई टू देखो यार चार्ज डेंसिटी तो सेम है तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. हाँ तो जो नेट फील्ड होगी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हैं तो रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. अब देखो यार E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों की जगह मैं E लिख देता हूं. तो ये मैंने लिख दिया E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर. तो यार देखो ये हो गया तुम्हारा रूट ओवर 2E1 स्क्वायर. E1 रूट 2. So E1 is sigma by 2 epsilon naught root 2. Sigma by root 2 epsilon naught. काफी लोगों का मैच कर रहा था कोई परेशानी नहीं है. इतना लिख डालो फिर इस फेयर स्टार्ट करते हैं. सिर्फ वही फील्ड निकालनी है वेक्टोरिकली ऐड कर देना. सब लिख चुके हैं. हाँ भाई शुजात लिख लिया क्या? शुजात हुआ इतना? हाँ जैद वहां भी छोड़ सकते हैं. आई कैप जे कैप की टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं. अब इसके बाद जो आखिरी कहानी बची है वो है स्फेयर की. स्फेयर को आप दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो स्फेयर होता है जिसमें चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. जिसमें चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इस स्फेयर का नाम होता है कि ये हो सकता है हॉलो स्फेयर हो. अब हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो. चार्ज आउटर सरफेस पर ही मिलेगा या आप सॉलिड कंडक्टिंग भी कह सकते हैं इसे. अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर भी है तब भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, सब बाहर मिलेगा. दूसरे टाइप का स्फेयर होगा जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वॉल्यूम पर.
थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे कहते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब स्फीयर की डेरिवेशंस करेंगे इन सब के लिए एक रिजल्ट आएगा, इसके लिए एक रिजल्ट आएगा। इतना लिख लो जल्दी से। इसके आगे तो मैं नहीं करा पाऊंगा, स्फीयर में शुरू करूंगा तो एक ही क्लास में खत्म करूंगा हर टाइप का स्फीयर। अब सुनिए, आपके कुछ टेस्ट हैं, संडे मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, इम्तिहान सर क्लास लेंगे तो मेरे लिए तो टाइम छोड़ेंगे नहीं वो। फिजिक्स के ये जो एडुकरन वाला ऐप है ना, इसमें क्लास 12 में आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ होगा, इसमें बाय दो जगह टेस्ट मिल जाएगा, एक बाय सिंगल टेस्ट में और एक बाय टेस्ट पैकेज में। खरीदने वरीदने नहीं है, फ्री पड़े हुए, बस नाम है पैकेजेस के। यहां जाओ, दोनों में से किसी जगह तुम्हें टेस्ट मिलेंगे, फिजिक्स के भी, मैथ्स के भी और केमिस्ट्री के भी। केमिस्ट्री वाले जाने, फिजिक्स के दो टेस्ट होंगे, एक टेस्ट अभी एक्टिव है, एक टेस्ट सैटरडे नाइट से एक्टिव होगा। मंडे तक मुझे टेस्ट चाहिए, सबने दे रखे हो। दो टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर के, तो फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जितना मैंने करा दिया है उससे रिलेटेड दो टेस्ट हैं आपके। अगर कहीं कोई परेशानी आए करे ना, ऐप में कहीं परेशानी है तो इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लिया करो। अगर टेस्ट में या कहीं कोई परेशानी आ रही है, जैसे क्लास लॉग इन नहीं हो पा रही थी, 3874243478387, हाँ ये निष्कर्ष का नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लिया करिए। आप क्लास में आए हैं, नहीं कनेक्ट हो पा रही क्लास, कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है आपके साथ, या टेस्ट आप देने बैठे हैं, टेस्ट में कोई परेशानी आ रही है, कुछ आ रही है, इस पर करो। मतलब इन सब चीजों के लिए ना प्लीज मुझे मत मैसेज किया करो यार, तुम लोग करते हो, मैं चाहकर भी रिप्लाई नहीं कर पाता, ज्यादा टाइम क्लास में और चीजों में दिख जाता है भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि नोट्स ना देखो। हाँ टाइम लिमिट है, बिल्कुल टाइम लिमिट है, ईमानदारी से देना टेस्ट सब। तो जो भी टेक्निकल इश्यू आता है आपके साथ कहीं भी, टेस्ट में, क्लास में, जैसे कभी वेटिंग रूम लगा हुआ है, आप उस नाम से नहीं आ रहे हैं जो नाम हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे, तब कोई इश्यू आ रहा है, इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लिया करो। चलो भाई आज यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास मंडे, संडे टेस्ट दो सारे अपने, टेस्ट एक सैटरडे दोगे एक संडे दोगे, दो टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके टेस्ट है। चलो जी।